दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और आज की वीडियो के अंदर हम आपको वेस्टीज के कुछ एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और राजकुमार जी यहां पर डेमो करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस खेत के और दर्शन कराऊं, इन किसान भाइयों से मैं आपको मिलवाऊँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि जिन लोगों ने अभी इस्तेमाल किया है उनको क्या फ़ायदा हुआ है। तो हमने भी पूरे खेत का यहाँ पर देखा है और हमें आने से पहले भी अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा चुके हैं और अब कुछ जगह पर भी और इस्तेमाल होना है। तो बिना देर करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे एग्री एक्सपर्ट राजकुमार जी की तरफ, जो आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। आप खाओ और दो गोली गलती से मिला दे तो रिएक्शन कर देती है, लेकिन देसी दवाई आप 10 तरह की खा लो तो उससे कुछ नहीं होता। अगर फायदा ना करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। सबसे पहले बात आती है हमारी एग्री होम, इसका काम क्या है कि इसे आप एक तरह से जैसे गोबर का खाद होता है उस तरह से मानो इसे, ये देसी खाद का काम करते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी ज़मीन को मुलायम बनाती है, भुरभुरी। जब ज़मीन मुलायम होगी ज़मीन के अंदर सांस जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, और जिस चीज़ के अंदर ऑक्सीजन जाएगी वो हमेशा स्वस्थ रहेगी, चाहे वो आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधा हो, पर ज़मीन हो। तो आप किसी की भी ऑक्सीजन बंद कर दो वो तुरंत कमज़ोर होने शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ा के ज़मीन के अंदर ज़मीन को भुरभुरा कर देती है। जब ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी, टाइट नहीं रहेगी, तो आपके पौधे की जड़ ज़्यादा नीचे तक जाएंगे। और आप जानते हो कि जिस पौधे की जितनी जड़ ज़्यादा नीचे होगी वो पौधा उतना ही मजबूत होगा। आंधी चले, बारिश चले, हवा चले, तो पौधा गिरेगा नहीं। हमने अभी एक खेत देखा था, धान का पूरा लोटा पड़ा इनके बराबर। अगर उसमें पहले से लगी हुई होती ना, आप कितनी बारिश में कितनी हवा चला लो, एक भी पौधा गिर नहीं सकता, ये गारंटी है। तो ये आपका काम खाद का करती है, ज़मीन को भुरभुरी करती है, हल्की करती है, जिससे कि हमारी ज़मीन के अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़े, हमारी ज़मीन के अंदर पौधों की जड़ नीचे तक जाएं, और पोषक तत्वों को बढ़ाती है। इसके अंदर 14 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारी ज़मीन को चाहिए होते हैं। अब उसमें से अगर कोई भी कम हो जाए ज़मीन के अंदर तो सबसे पहले फसल के पत्ते पर असर दिखता है, उसका पत्ता पीला होना शुरू हो जाएगा। ये उन सारी चीज़ों को मेंटेन करती है। इसके बाद आता है हमारा एग्रीगोल, इसे एक तरह से सीधी भाषा में आप कह सकते हो टॉनिक। जैसा आदमी को डॉक्टर बता देता है कोई ज़्यादा बीमार हो जाए, ये बोतल ले लो टॉनिक की और दवाई के साथ पीते रहो सुबह शाम, तो शरीर में जितनी भी कमी हो सब पूरी हो जाएंगी, खून वगैरह की। किसी भी फसल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, फसल पीली पड़ रही हो, फसल की बढ़त ना हो रही हो, मान लो एक महीने की फसल को होना चाहिए 2 फुट का, वो अभी 1 फुट पर ही पड़ी है, इसके लगाने से इतनी तेज़ी से ग्रोथ करती है कोई भी फसल कि आप दिन में कुछ और देखोगे और अगली सुबह दिन में कुछ और देखोगे। ये आपके फूल आने की क्षमता को बढ़ाती है, जो पौधे पर फूल आता फूलों की क्वांटिटी बढ़ाती है। फूलों के अंदर जो फल बनेगा, फल की चमक ऐसी बनेगी कि जैसे अभी आप मूली में देख रहे हो चमक नहीं है बिल्कुल, तो इससे चमक बहुत अच्छी बनेगी। बैंगन है, टमाटर है, जितनी चमक होगी उतना अच्छा रेट मिलेगा मार्केट में। चमक ना होगी तो ग्राहक छोड़ कर देख के चला जाएगा अगली दुकान पर, उसका काम करती है। तीसरा जो सबसे मेन चीज़ है एग्री 82, सबसे पहले खेत में इसे लगाओ पानी के साथ, चलते हुए पानी में, वो तरीका मैं लगाने का बता दूंगा अभी बाद में। सबसे पहले आपकी ज़मीन का पीएच लेवल मेंटेन करेगी, अगर ज़्यादा है तो उसे मेंटेन करके बीच में लाएगी, और कम है तो भी ऊपर लेके जाएगी। दूसरा, आप यूरिया लगाते हो खेत में, DAP लगाते हो, आप लगाते हो 50 किलो मान लो 1 एकड़ में, इसके 5 ढक्कन मिला दो और 35 किलो यूरिया डालो 50 किलो की जगह, और वो 35 किलो 70 किलो के बराबर असर करेगा आपके खेत में। मिला के डाल दो। इसका रीजन क्या है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, सब जानते हैं, हमने नाइट्रोजन डाला खेत में यूरिया, और गलने से पहले उसका नाइट्रोजन हवा में चला गया, क्योंकि हवा के अंदर वायुमंडल में भी हमारा नाइट्रोजन है, वो ज़्यादा है यूरिया के अंदर कम है, तो ज़्यादा वाली चीज़ कम वाली को अपनी तरफ खींच लेती है, और हमें बहुत कम मात्रा में यूरिया का नाइट्रोजन मिल पाता है ज़मीन के अंदर। हम सोचते हैं कि हमने 1 कट्टा डाल दिया लेकिन असर पहुँचा केवल 10 किलो का ज़मीन में, तो वो 10 किलो का ही असर करेगा फसल के अंदर। तो ये उसके ऊपर एक कवच सा चढ़ा देता है, परत बना देता है दाने के ऊपर, तो जितना नाइट्रोजन है वो ज़मीन के अंदर ही जाएगा, उड़ेगा नहीं, तो आपके यूरिया की बचत इसलिए होती है। 25% यूरिया कम डालो पहली फसल में। जैसा आज आप लगाते हो गेहूँ में आप 50 किलो डाल रहे हो, तो गेहूँ में डालो आप 35 किलो,
इसके साथ। अब गेहूं के बाद अगले आप फसल लगाते हो धान की या ज्वार बाजरा कुछ भी, उसमें फिर 25% कम कर दो, यानी कि आज के हिसाब से आधे 25 एक किलो की हुई सर बस। हाँ, उसके बाद तीसरी फसल में फिर आधे चौथाई कर दो और चौथी में जीरो कर दो। उसके बाद आपको यूरिया डाई डालने की खेत में जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी, बस ये लगाते रहो क्योंकि जमीन को इनकी आदत पड़ जाएगी और वो आदत छूट जाएगी जो अभी तक आदत है। दूसरा काम ये करती है आपके पानी का, आपका फसल अगर पानी अभी मांग रही है 10 दिन के अंदर, आप इसको लगा दो 15 से 17 दिन में पानी मांगेगी, 10वें दिन भी आपके पैर चिपकेंगे खेत के अंदर, इतनी नमी रहेगी, ये नमी को बनाकर। तीसरा काम करती है आप दवा छिड़कते हो, आपने स्प्रे किया बहुत बारीक बारीक फुहारे से निकली बूंदें और पत्ते पे जमा होगी। अब पत्ता सभी पौधे के ऐसे हैं, पानी डालोगे तो छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ेंगी, थोड़ी सी मोटी बनेगी, फिर 4 बूंद और जुड़ेंगी, फिर वो एक बन जाएगी, और जब ज़्यादा मोटी हो जाएगी पत्ते के चोंच पे आएगी आगे और नीचे ढलक के जमीन में। अब कीड़ा कहाँ है, कीड़ा या तो तने में है या तो पत्ते के नीचे चिपका हुआ। अब कीड़ा तो काटना शुरू करेगा क्योंकि दवा तो है ही नहीं पत्ते के ऊपर पौधे के ऊपर, तो कीड़ा मरेगा क्यों? अब आप बार बार कह रहे हो, ये भी वहाँ पर कह रहे थे कि रोज स्प्रे करते हैं कीड़ा नहीं मरता, सरसों खत्म कर दी। अब देखो जब कीड़ा के अंदर जहर जाएगा ही नहीं तो कीड़ा मरेगा क्यों? कीड़ा तो जम्मा रहेगा ना जब उसके पेट में जहर जाएगा, और जहर तो आपके जमीन में जा रहा सारा, उससे जमीन आपकी बेकार होती जा रही है, कीड़ा आपका खा रहा। आप या तो दवा को खराब बताओगे या तो परेशान होकर फसल को ही खत्म कर दोगे। इसको टंकी के अंदर केवल, आपकी कितने लीटर टंकी है? 20 की। केवल 2 ढक्कन डालनी है। आप जो दवाई लाते हो कोई भी, सबसे पहले तो ध्यान ये रखो जो भी ये 10 ml की है, 20 ml डालनी है, यानी कि 20 लीटर पानी है तो 20 ml, 1 ml एक। तो अब देखो कितनी कम मात्रा लग रही है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ, जो भी कीटनाशक दवाई लाओ उसके नाम पे मत जाओ, नाम के पीछे उसके एक लिखा होता है EC, 20 EC, 50 EC, 50 WC, वो लिख तो है। कम से कम जो लो वो 50 से ऊपर की लो, 50 से नीचे की मत लो। 50 से नीचे की में आधा पानी होता आधी दवाई होती, 50 से ऊपर चलोगे 50, 60, 65, 55, 70 तो ये समझो कि आपको एक्चुअल चीज मिल रही है, उसमें जितना है उतना ही मिल रहा है, उसकी थोड़ी सी मात्रा भी आपके कीड़े को मार देगी। तो आगे से ये ध्यान रखना, कोई भी दवाई लाओ सबसे पहला उसका EC देखो या WC देखो, EC WC जो भी हो वो 50 या उससे ऊपर होना चाहिए। या कोई नहीं देता आजाद पुर में? अब देखो कोई नहीं देता तो आपको तो लेनी है ना, अब कोई नहीं देता तो फिर आप पैसे क्यों दे रहे हो? तो उस दवाई को आप जितनी भी डालते हो मात्रा उसकी, एक टंकी में 2 ढक्कन 3 ढक्कन जो भी डालते हो वो उतनी डालो आप, और इसके 2 ढक्कन मिला दो बस एक टंकी में, और मिला करके स्प्रे करो 24 घंटे के अंदर आप पत्ते के पेड़ के ऊपर कीड़ा ढूंढ लेना जिंदा को चलता हुआ, क्योंकि ये दवा जो है उसको कम से कम 72 घंटे तक चिपका कर रखेगी अगर बारिश ना हो तो। ये हम बता के चल रहे हैं आपको कि आपने स्प्रे करा 2 घंटे बाद बारिश होगी, आप कहोगे जी वो तो कीड़ा तो है, तो देखो ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें ना हम कुछ कर सकते ना आप कर सकते। हाँ, वो तो है। बाकी बारिश ना हो तो 72 घंटे तक असर रहता है इसका, यानी कि 3 दिन 3 रात, और कीड़ा 3 दिन में कभी ना कभी तो निकल के खाएगा ही पत्ते को और जब ही मरेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, इनका सबसे बढ़िया फायदा यही है कि कोई नुकसान नहीं है। फायदा अंकल जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, इनके सामने रिजल्ट देख लो जाकर और उसके बाद भी ये अभी और आज लगाने वाले हैं, उसका रिजल्ट आप 1 हफ्ते में फिर देख लेंगे। लेने के लिए इनको पता है यहाँ आसपास में भी कहीं है, और सोनीपत तो इसका स्टोर है, यहाँ नहीं मिलती है। इसके लिए क्या है कि ये जैसे 440 रुपये की, ये 600 रुपये की, ये 650 की, लेकिन कंपनी हर किसान का रजिस्ट्रेशन करती है फ्री में। रजिस्ट्रेशन इसलिए करती है कि इन सभी पर डिस्काउंट देते हैं किसान की बचत के लिए। 30% से शुरू होता है डिस्काउंट और 55% तक पहुंच जाता है। वो डिपेंड करता है कि हम खरीद कितनी रहे, क्योंकि आप भी सब्जी बेचते हो, कोई 1 पाव लेगा तो उसका रेट अलग है, किलो लेगा तो उसका अलग है, कोई 5 किलो गोभी तुलवा लगा तो उसका रेट अलग है ना। तो इसी तरह से कंपनी ने बना रखा कि आप 1, 2, 4 लेते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप ज़्यादा माल उठाते हो लगभग 8-10 हज़ार रुपये का एक बार में लेते हो तो आपको ये जो डिस्काउंट है लगभग 40% तक पहुँच जाता है।
और अगर यही सामान आप रेगुलर ले रहे हो अपनी फसलों के लिए तो यही डिस्काउंट आपका 70% तक भी पहुंच सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होता है आखिरी में, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक मोबाइल नंबर उसमें ऐड कराना होता है, उसके ऊपर आप जब जी चाहे जो भी बात जानना चाहो कंपनी के अंदर वो अपने फ़ोन को खोलो और उसी के अंदर सारी चीज़ें देख लो, पूरी कंपनी उस फ़ोन के अंदर आ जाती है, कुछ भी जानकारी किस दवा का क्या रेट है, ये दवा हमें कहाँ मिलेगी, उस जगह का एड्रेस, उस जगह का मोबाइल नंबर दुकान का, और कितने रुपए की मिलेगी, स्टोर पे है या नहीं है, वो पूरी जानकारी आपके फ़ोन में आ जाती है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपको दवाई का रिजल्ट ना आए, आपने मान लो कि ये तीन दवाई ली, एक दवाई लगा ली और इसका आपको रिजल्ट नहीं आया, तो ये दोनों दवाई बिल के साथ ले जाओ, वापस देकर अपने पैसे, कोई भी स्टोर वाला ये नहीं कहेगा कि हम वापस नहीं करेंगे, बस आपको ये कहना भैया हम तीन ले गए, माना एक लगाए रिजल्ट नहीं आया, आप ये दो वापस कर लो, ये रहा आपका बिल, वो आपको इन दो